संदोसी में चौथे सड़क सुरक्षा के तहत पीटीओ और यातायात पुलिस प्रभारी ने यात्रियों और रोडवेज बसों के कंडक्टर और ड्राइवर को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया है। आपको बता दें, जनपद संभल की चंदोसी कोतवाली क्षेत्र के रोडवेज बस स्टैंड पर यातायात पुलिस प्रभारी अनुज मलिक व पीटीओ द्वारा रोडवेज बस स्टैंड पर चालक, परिचालक और अन्य व्यक्तियों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया है। यह कार्यक्रम रोडवेज बस स्टैंड के परिसर में किया गया, जहाँ पर रोडवेज के स्टाफ को पंपलेट भी वितरित किए गए। ये अभियान यातायात पुलिस और परिवहन निगम की तरफ से चलाया गया है। ऐसा है कि सरकार जो है वो दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा होती है हमारे देश में, उसके प्रति काफी सजग है। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वो समय समय पर महीने दो महीने में एक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाती है। इस माह जो है 18 से 24 तारीख तक सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है मनाया जा रहा है। इसका मेन कारण ये है कि हम सारी पब्लिक को जागरूक कर सकें कि सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति का पालन करें, जिससे कि दुर्घटनाओं में कमी आए। सड़क सुरक्षा के नियम क्या है, जैसे आप कंपल्सरी तौर पर मतलब हेलमेट का प्रयोग करें, जो सवारी जो मोटरसाइकिल चला रहा है वो भी प्रयोग करें, जो पीछे बैठा है वो भी प्रयोग करें, साथ ही साथ मोबाइल का प्रयोग ना करें। अगर फोन आ जाए तो मोटरसाइकिल अपने किनारे खड़ी कर ले, उसका प्रयोग करें। अगर कार चला रहा है, चार पहिया वाहन चला रहा है, तो उस पर जो है सीट बेल्ट का प्रयोग करें, या ड्रिंक करके गाड़ी को संचालन ना करें, ड्रिंक के साथ गाड़ी का संचालन ना करें। इन्हीं सब चीज़ों को बताने के लिए हम लोग सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहे हैं। इसके अतिरिक्त कोविड महामारी फैल रही है, उसके रोकथाम की भी अब जरूरत आ गई है, तो उसको भी कहा गया है कि आप लोग अपना मास्क लगाना फिर शुरू करें, या दो गज दूरी अपनाएं, सवारियों से दूरी रखें, अपने मुंह पे नहीं हो तो मास्क ना हो तो रुमाली लपेट लें, जिससे कि इस दोबारा से महामारी को पुनः फैलने से बचाया जा सके।